नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश शर्मा फिर से हाजिर हूँ पीएसएल की एक नई और ताजी और गुड न्यूज लेकर। दोस्तों आपको पता है कि मैं कोई ना कोई न्यूज आपके लिए हर रोज लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज फिर से मैं पीएसएल की एक नई ताजी अपडेट लेकर आ गया हूँ। तो इससे पहले दोस्तों इस वीडियो को हम आगे बढ़ाए तो आज मैं आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए नहीं बोलूंगा, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि 1.5 साल हो गया हमें आपस में जुड़े हुए, तो ये सब आपको मालूम ही है, लेकिन हमारा फर्ज होता है आपको बताना। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे कुछ हटकर एक डिमांड करने जा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरी इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और मेरी इस डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों डिमांड मेरी ये है कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। वो लिंक है मेरे छोटे से प्यारे नन्हे बच्चे का जो 5 महीने का अभी हुआ है, विनायक शर्मा उसका नाम है, और मेरे बेटे का पहला कंपटीशन है, क्यूट फोटो का कंपटीशन है, जिसमें एक वेबसाइट पर वोटिंग चल रही है। तो मैंने अपने बेटे का भी वहां पर फोटो डाला हुआ है, तो उसमें दोस्तों आपको एक वोट डालना है। वहां पर जाके लिंक पे जाओगे, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक ओपन होगा, तो उसके नीचे जाओगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी वोट की, तो वोट पे क्लिक करना और आपको वहां पर अपना फोन नंबर वगैरह डालकर उसमें वोट करना है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज एक वोट जरूर डालें, और मुझे अपने से ज्यादा आप पर भरोसा है कि आप मेरी इस डिमांड को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि ये मेरा बेटा है और आपका भतीजा भी है दोस्तों, क्योंकि अब हमारा एक परिवार बन चुका है। तो जल्दी से और एक कमेंट डाल दें, अगर आपने वोट कर दिया तो कमेंट डाल दें, तो वहां पर अगर वोट डाल दिया तो आप कर दें कि हमने वोट डाल दिया है, तो वहां पर विनायक लिख दें, विनायक नाम है, घर का नाम वासु है। तो प्लीज प्लीज अपने भतीजे के लिए वोट करें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। इसमें दोस्तों खुशखबरी वाली बात यह है, आपको बिल्कुल ये सामने एक फोटो दिख रही है एक वेबसाइट की, sevi.gov.in की। दोस्तों सेवी की वेबसाइट पर एक न्यूज आई है, एक अपडेट आई है, उसमें बताया गया है कुछ, तो ये सारा इंग्लिश में है, आप वेबसाइट पे जाइए sevi.gov.in पर, तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा नोटिस। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको इसको पढ़कर सुना देता हूं दोस्तों। तो इसमें लिखा है, ये एक अखबार में भी कटिंग आई है, तो इसमें लिखा है कि पीएसएल मामले में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट को सेवी का दावा स्वीकार। नई दिल्ली से खबर छपी है, पूंजी बाजार नियामक सेवी ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने पीएसएल निवेशकों की रकम वापस भारत लाने के मामले में उसका पक्ष स्वीकार कर लिया है। पीएसएल ने घरेलू बाजार में कृषि और रियल इस्टेट में निवेश के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए की रकम जुटाई थी, लेकिन सेवी ने अपनी जाँच में पाया कि कंपनी ने इस रकम का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में कई संपत्ति की खरीद में कर लिया था। सेबी के मुताबिक कंपनी ने करीब 18 वर्षों तक अवैध निवेश योजनाओं के जरिए रकम जुटाई थी। मामले की जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति को ऑस्ट्रेलिया में पीएसएल की संपत्तियों की बिक्री और निवेशकों के सत्यापन के बाद उनकी रकम लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि सेबी और लोढ़ा कमेटी अपना काम कर रही हैं, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं पड़ी हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि भंगू ने बड़े सारे वहां पर इन्वेस्टमेंट की थी आपके पैसे की, तो सेबी उस पैसे को वापिस लेके आ रही है भारत में, ताकि वहां की जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्ट किया गया जाओ, जो भी प्रॉपर्टी वहां पे बनाई गई है उसको बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो आप तक पहुंचा दी जाए। तो आपको पता है कि 2500 की छोटे रिफंड की तो देनदारी लगभग छोटी मोटी शुरू हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये खुशी की बात है कि जहां तक प्रोसेस की बात थी, पहले प्रोसेस ही शुरू नहीं हो रहा था, तो इतने जो भी ये संगठन है इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इस आग को बुझने नहीं दिया, और आपका भी धन्यवाद है कि आप भी पीछे नहीं मुड़े, और तभी जाके आज सेबी और लोढ़ा कमेटी आपका पैसा देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि शुरू तो हो गया है, पहले शुरुआत ही नहीं थी, एक बिल्कुल सारी तरफ अंधेरा था। तो अब 2500 से जो बड़े अमाउंट्स हैं उनकी तरफ भी रुख हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी आपका
पैसा है वो भी लुटाना शुरू करे। हमारी ये उम्मीद और हमारी ये कोशिश है कि जब तक आपका पैसा आप तक नहीं पहुंचाता दोस्तों, तब तक हम आपको जो भी पीएसएल की अपडेट होती है वो हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहे। आसानी से मतलब ये कि आपको न्यूज ढूंढने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़े, आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने बेल वाला बटन दबाया होगा तो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आज हमने जो भी अपडेट डाली है, तो अपने आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है जब भी हम वीडियो डालते हैं। दोस्तों खोजबीन करना हमारा काम है, हमारा काम है आप तक न्यूज लेके आना। जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज होगी वो हम आप तक लेके आते रहेंगे जब तक कि आपका पैसा आप तक नहीं पहुंच गया। दोस्तों आपको कोई भी इसमें सर्च करने की जरूरत नहीं कि क्या आई है खबर, आपको अपने आप मिलती रहेगी हमारे चैनल के द्वारा। आपका काम है वो मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ गए होंगे, आपने बोलना पहले कुछ नहीं बोला, अब आप बोलना शुरू हो गए तो आप जान गए होंगे कि क्या बात है। और दोस्तों आज अपने जो शायद मैं कल तक आपके कुछ कमेंट्स का जवाब भी दूंगा, कल नहीं मैं एक दो दिन में इसका जवाब दूंगा, जो आपके मेन मेन कमेंट्स थे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शायद मैं लाइव आऊं या फिर आपके कमेंट्स उठा के आपको उनका जवाब दूं। तो आप लगातार वेब वर्क वर्ल्ड के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि वेब वर्क वर्ल्ड जो होता है, जो सबसे बड़ी न्यूज होता है, सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। आप डेढ़ साल से देख रहे हैं कि वेब वर्क वर्ल्ड एक ऐसा चैनल है जो जिसने शुरुआत की थी पीएसएल की न्यूज देने की, क्योंकि इससे पहले कोई भी न्यूज आप तक नहीं पहुंचती थी, शुरुआत की। आज कई चैनल्स आपको न्यूज दे रहे हैं, खुशी की बात है कि हर जगह से आपको न्यूज मिल रही है। लेकिन आप सर्च कीजिए कि एक साल पहले सर्च कीजिए कि सबसे पहले न्यूज़ें कहां से मिलनी शुरू हुई थी दोस्तों। उसके बाद जो क्रांति आई है पीएसएल की न्यूज़ों की, तो और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सुसाइड होते थे वो सुसाइड भी नहीं हो रहे हैं, जो बड़े सारे लोगों ने सुसाइड किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक भी सुसाइड का मामला सामने नहीं आया है जब से हमने आपको न्यूज देनी शुरू की है दोस्तों। क्योंकि पहले एजेंट के पास लोग आते थे, हाँ जी क्या बना, तो उनको पता ही नहीं होता था कि क्या बन रहा है पीएसएल का, क्या नहीं बन रहा था। लेकिन हमारी एक छोटी सी पहल है जो आपके लिए काम आई। तो दोस्तों साथ में एक साथी है वो आपको न्यूज देना चाह रहे हैं, कुछ एक अलग न्यूज है, तो चलिए उनका वीडियो मैं शुरू करता हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहें और वोट वाला काम जरूर कर दें, वोट विनायक को जरूर डाल दें। विनायक का आपके लिए ब्लेसिंग रहेगी कि आपका पैसा जल्दी मिले और विनायक को भी आप विजय भव करो इस कंपटीशन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। आज पीएसएल निवेशकों के पैसा वापसी हेतु दिल्ली कार्यालय में एएसओ कार्यालय में मीटिंग हुआ। मीटिंग के अंदर तय किए गए दिल्ली कमेटी की ओर से कि हमें भारी संख्या में जो पहले से तय है राजस्थान जयपुर के अंदर एएसओ धरना के अंदर हमें शामिल होना है और उसके समर्थन देना है। इस दिशा में विचार विमर्श किए गए, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जितने भी पीएसएल एजेंट, पीएसएल निवेशक या एआईएसओ कार्यकर्ता, सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जयपुर धरना जो 20 सितंबर 2018 को होने वाले धरना में हमें शामिल होना है। उसके लिए जो भी इच्छुक साथी हैं, जिन्हें चलना चाहिए, जो समझते हैं कि इस संघर्ष में हमें साथ देना है, उनसे निवेदन है, आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में चलने के लिए तैयार हो जाएं। और हमारे इस वीडियो के नीचे हम संपर्क नंबर दे रहे हैं, यदि आप चलना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप संपर्क करके 18 तारीख से पहले 18 तारीख तक आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें। आप जो भी संपर्क नंबर दिए गए हैं उस पर कृपया जरूर बात करके, आप जा रहे हैं तो आप या आपके साथी उनके बारे में पूरी जानकारी दे दें किस प्रकार से चलना है। 19 तारीख को रात्रि 11 बजे एआईएसओ हेड ऑफिस A7 विकास कुंज से हम लोग प्रस्थान करेंगे और जयपुर सवेरे 10 बजे धरना में शामिल होंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, हम अपनी लड़ाई को ताकत देने के लिए,
हमें जयपुर चलना होगा और जयपुर अपने पैसे के लिए चलेंगे, न कि हम जयपुर किसी राजनीतिक या अन्य कारणों से जा रहे हैं। इसलिए हमारे संघर्ष को मजबूत करने के लिए, AISO का ताकत बढ़ाने के लिए और अपना पैसा वापस लेने के लिए, 6 करोड़ PACL निवेशकों का हक के पैसा लेने के लिए हमें चलना होगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपना कीमती समय में से एक दिन का समय अवश्य निकाल लें। ये समय जो है आपके बहुत अच्छा होगा, संघर्ष को ताकत देगा और जल्द से जल्द पैसा निकलने का मार्ग बन पाएगा। जय हिंद, जय AISO। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने बाकी साथियों के साथ और बने रहिए वेबवर्क वर्ल्ड के साथ सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको मिलती रहे PACL की ताज़ा जानकारियां, और इस घंटी वाले आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपके फ़ोन में होगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप, तो उनमें शेयर कीजिए इस वीडियो को। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। ये जो सामने दो वीडियोस दिख रही हैं इन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए।